नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी न्यूज। चलिए डालते हैं आपके अपने क्षेत्र की और आसपास की खबरों पर नजर। देश में कोरोना के संक्रमण से बचने को लेकर सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन का असर अब जसपुर के मंदिरों और मस्जिदों में देखने को मिल रहा है। जहां प्रशासन ने मंदिर और मस्जिद में भी ज्यादा लोगों को न जाने की अपील की है, तो वहीं आज शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। शहर मुफ्ती इसराइल खान ने बताया कि मस्जिदों में प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है और केवल 4-5 लोगों के साथ ही नमाज पढ़ी गई है। नमाजियों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने अपने घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई है और घरों में ही नमाज पढ़ने को कहा गया है। तो वहीं नगर के ठाकुर मंदिर के महंत बाबा भगवत दास ने बताया कि मंदिर में 2-4 लोगों के साथ ही सुबह शाम पूजा की जा रही है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वह मंदिर में ज्यादा संख्या में ना आए, अपने ही घरों में बने मंदिर में पूजा अर्चना करें। प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मंदिर खुलता है, जो भी 2-4 भक्तगण आते हैं पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। उसके बाद सारे ही दिन हम लोग जो है मंदिर बंद रखते हैं। शाम को थोड़े समय के लिए खुलता है और उसके बाद अपना मंदिर में जो रहने वाले 2-4 लोग हैं वो भी अपना अलग अलग जिस माध्यम से बताया गया है उसी हिसाब से आ रहते हैं। लोगों को भी हमारी तरफ से यही प्रार्थना की जाती है कि भैया थोड़ा दूर दूर रहें। जो भी हमारे राजाज्ञा है, दिशा निर्देश है राज्य की तरफ से, शासन की तरफ से, उसका पालन होना चाहिए। शासन और प्रशासन के देश अनुसार, आदेश अनुसार जैसा हमें आदेश है उस हिसाब से जैसे 4 से 5 लोगों को के साथ नमाज अदा की जाए मस्जिद में इमाम के समेत। तो इमाम के साथ 4 से 5 लोग 5 वक्ता नमाज भी अदा कर रहे हैं। आज जुमे में भी इसी तरीके से नमाज अदा की गई और उसके बाद गेट बंद कर दिए जा रहे हैं। ताला लगा है गेट पे, मेन गेट भी बंद है, बाकी तमाम गेट भी बंद है। 4 लोग पीछे होते हैं और एक इमाम, 5 लोग होके 5 वक्त नमाज अदा की जा रही है और आज जुमे में भी ऐसे ही होगा। उधर लॉकडाउन के चलते कुछ लोग जहां थे वहां फंसे हैं और आवाजाही का साधन न होने के कारण पैदल ही भूखे प्यासे अपने घरों को पहुंच रहे हैं। फन टीवी न्यूज की ताजा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी न्यूज टाइप करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें।